हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 06। और लेक्चर नंबर 06 में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेबनीज़ थ्योरम। बच्चों, लेबनीज़ थ्योरम से हर एक साल क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो लेबनीज़ थ्योरम लगाने से पहले हमें अच्छी तरह से आना चाहिए nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए अच्छे तरीके से सीख जाओ, उसके बाद में आप मूव करो लेबनीज़ थ्योरम के प्रॉब्लम पे। लेक्चर नंबर 04 और 05 में हमने 8 फॉर्मूले का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए सीखे थे और 8 क्वेश्चन के प्रैक्टिस भी किए थे। तो सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 04 और 05 को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, उसके बाद में आप लेक्चर नंबर 6 पे मूव कीजिए। बच्चों, लेबनीज़ थ्योरम हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारा दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवेन हो, तब हम लेबनीज़ थ्योरम को अप्लाई करते हैं nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। अब आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं लेबनीज़ थ्योरम का। लेबनीज़ थ्योरम में क्या कह रहा है कि इफ यू एंड वी आर टू फंक्शन ऑफ एक्स हैविंग डेरिवेटिव ऑफ द nth ऑर्डर, देन आधा अधूरा हमने लिखा है। कह रहा है कि यदि यू और वी दो फंक्शन हैं एक्स के, तो उस डेरिवेटिव का nth डेरिवेटिव ऑर्डर होगा क्या होगा, d tending to power n upon dx tending to power n u into v is equal to un v plus nc1। सब समझाऊंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। nc1 un minus 1 v1 plus nc2 un minus 2 v2 प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी आर यू एन माइनस आर वी आर प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन वी एन इंटू यू, पहले यू लिख ले ना, यू इंटू वी एन, ठीक है। ये तो लेबनीज़ थ्योरम जो मैंने लिखा है, ठीक। लेबनीज़ थ्योरम क्या कहता है, कहता है कि यदि आपके पास में दो फंक्शन गिवन है प्रोडक्ट के फॉर्म में और आपको nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, तब आप उस प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब जानते हैं क्या क्या जानते हैं, तो वेयर un is equal to nth derivative of u and vn is equal to nth derivative of v, ठीक है। यह होता है nc1। समझाने से बच्चों पहले मैं समझा देता हूं ncr क्या होता है। तो हमने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्लास 11th में सीखे थे, क्या सीखे थे, NCR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो NC1 इक्वल टू होगा n, ठीक है, दिखाओ आपको निकाल के, देखिए n फैक्टोरियल r के प्लेस पे 1 है तो 1 फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है, देखिए, और n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये होता है। अब मैं इसको क्या करता हूं, थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूं, तो n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n into n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 को अगर आप ओपन करके लिखेंगे तो 1 into 1 ही करोगे, ठीक है, नहीं 1 ही 1 का फैक्टोरियल बना जाएगा, ठीक है, और n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखो ये कैंसिल आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, n, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं nc1 इक्वल टू n, ये आ गया आपको समझ में, ठीक है।
अब एन सी टू को फाइंड आउट करने जाएंगे तो मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिखता हूँ एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू। ये रिजल्ट कैसे आया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अप्लाई करके, ठीक है। तो एन सी टू इज इक्वल टू क्या हम लिखेंगे एन फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, ठीक है। एन फैक्टोरियल को हम क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं, तो हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल को जब आप ओपन करके लिखेंगे तो आपको टू मिलेगा, ठीक है, और एन माइनस टू फैक्टोरियल को कॉपी कर लो। देखो यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा तो एन सी टू यहाँ से आपको मिल जाएगा एन सी टू इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, फैक्टोरियल नहीं लिखना है, तो यहां से ये रिजल्ट आता है। उसी प्रकार अगर आप एन सी थ्री का निकालने के लिए जाएंगे तो आप लिखेंगे क्या एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि एन सी आर इज इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करो तो एक्सपेंड करोगे एन माइनस थ्री फैक्टोरियल पे आके रोकना है, ठीक है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई थ्री को ओपन करके लिखो तो थ्री इंटू टू, ठीक है, सिक्स लिख दो, थ्री इंटू टू इंटू वन सिक्स ही आएगा, ठीक है, और एन माइनस थ्री फैक्टोरियल को कॉपी कर लिया, देखो ये एलिमिनेट होगा तो एन सी थ्री आपको मिल जाएगा एन सी थ्री इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई सिक्स। अगर आप थ्री टाइम्स डेरिवेटिव करते हो तो आपको ये लिखना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लेबनिस थ्योरम को कैसे हमें अप्लाई करना है प्रॉब्लम में, ठीक है, जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन होगा, तो यहां तक कॉपी किया जाए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर साइन x एट x इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन का हम करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेते हैं लेट u इज इक्वल टू साइन x और v हमने मान लिया x स्क्वायर, ठीक है। अब u का डिफरेंशिएशन पहले करते हैं उसके बाद में v का करेंगे, ठीक है। तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u1 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता है cos x होता है, ठीक। अब cos का फिर अगेन करेंगे साइन मिलेगा, साइन का फिर अगेन करेंगे cos मिलेगा, तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि cos x को चेंज कर देंगे, ठीक है। cos x को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन x प्लस पाई बाई टू, ठीक है। ये हम nth डेरिवेटिव में फाइंड आउट करने के लिए सीख चुके हैं, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन करोगे यानी सेकेंड टाइम करोगे तो आपको मिलेगा u2 टू इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस फाइव बाई टू, ठीक है। फिर इसको चेंज करो तो u2 आपको मिल जाएगा यहां से साइन एक्स प्लस फाइव बाई टू इंटू पाई बाई टू, ठीक है। और अगर इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा आपको साइन एक्स प्लस टू पाई बाई टू, और अगर n टाइम आप करते हो डिफरेंशिएशन तो आपको मिलेगा यू एन इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एन पाई बाई टू, ठीक है। अब v का हम निकालते हैं, ठीक है, तो v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें v1 मिलेगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x मिलेगा। अगर सेकेंड टाइम करते हो तो v2 इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा और थर्ड टाइम करोगे तो आपको मिल जाएगा 0, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं हम लेबनिस थ्योरम, ठीक है।
अप्लाई लेबनिस रूल, लेबनिस थ्योरम, ठीक है। देखिए कैसे अप्लाई, यू एन सबसे पहले आप रखते हैं, उससे पहले आप क्या लिखेंगे, डी एन अपॉन डी एक्स रेस टू द पावर एन एक्स स्क्वायर साइन एक्स इज इक्वल टू यू एन, आपके पास में क्या है देखिए, साइन एक्स प्लस एन पाई बाई टू, ठीक है। और वी देखें तो एक्स स्क्वायर है आपके पास में, प्लस एन सी वन को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और यू एन माइनस वन यानी कि यू वन, ठीक है, यू एन माइनस वन समझा चुके हैं कि फर्स्ट ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, एक बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो एक बार आपने जब डिफरेंशिएशन किया तो आपको मिला था यहां से साइन एक्स प्लस पाई बाई टू, ठीक है। और अगर वी वन देखें तो वी वन है आपके पास में टू एक्स, ठीक है, प्लस एन सी टू, एन सी टू यू एन माइनस टू, यू एन माइनस टू देखिए। अच्छा देखिए यहां पे मिस्टेक है, जब एक बार डिफरेंशिएशन किया ना, एक बार डिफरेंशिएशन किए तो एन माइनस वन इन टू पाई बाई टू होगा, ठीक है। इस मिस्टेक को थोड़ा सा इग्नोर आपको नहीं करना है और वी की वैल्यू आपको रखना है, ठीक है। तो वी आया था आपके पास में टू, नहीं तो गलत। एन सी टू सेकेंड टाइम देखिए डिफरेंशिएशन हमने किया तो हमें मिला यहां से साइन स्क्वायर ब्रैकेट एक्स प्लस एन माइनस टू पाई बाई टू, और वी टू देखा जाए तो आपके पास में कितना है टू, ठीक है। अगर आप थर्ड ऑर्डर लिखते हो ना तो यहां पे देखो वी थ्री जीरो है तो पूरे को बना देगा जीरो, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसको अरेंजमेंट करके लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एन पाई बाई टू, ठीक है, प्लस एन सी वन का वैल्यू होता है एन, ठीक है, और टू एक्स से प्रोडक्ट कर देते हैं इसको तो टू एन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू पाई बाई टू। एन सी टू को आप अगर ब्रेक डाउन करने जाएंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, ठीक है, और ये टू है उसको सही रखेंगे, ठीक है, रहने दो, या सजा के लिख देते हैं इंटू टू साइन ब्रैकेट एक्स प्लस एन माइनस टू इंटू पाई बाई टू, ठीक है, ये टू से टू कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर साइन इंटू एक्स प्लस एन पाई बाई टू प्लस टू एन एक्स साइन ब्रैकेट एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू पाई बाई टू प्लस एन इंटू एन माइनस वन साइन ब्रैकेट एक्स प्लस एन माइनस टू इंटू पाई बाई टू, ब्रैकेट को क्लोज कर दो, तो ये आपका आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे और कुछ कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि हमें डेरिवेटिव जो फाइंड करना है एक्स स्क्वायर साइन एक्स का, वो एक्स इक्वल टू जीरो को क्या होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो देन वाई एन इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, ठीक है। तो वाई एन इज इक्वल टू, या तो आप यही कॉपी कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो देखो जब जीरो रखोगे एक्स के प्लेस में तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब एक्स के प्लेस पे जीरो रखोगे तो ये जीरो बनेगा, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, आने की अपने को काम करना है केवल यहां, ठीक है। तो मिलेगा क्या, एन इंटू एन माइनस वन, ठीक है, साइन एक्स के प्लेस पे हम रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, आने की मिलेगा हमें साइन एन माइनस टू इंटू पाई बाई टू, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको लेबनिस थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। फिर मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि सबसे पहले आप nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए सीखिए, उसके बाद में लेबनिस थ्योरम के क्वेश्चन को आप अप्लाई कीजिए।
ठीक है, क्योंकि वहां पे सारा आपको फॉर्मूले को चेंजिंग इंटरचेंजिंग करने के लिए मैं बता चुका हूँ किस तरीके से हम इंटरचेंज करते हैं कॉस को साइन में, साइन को कॉस में। ठीक है, तो सबसे पहले आप nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए सीखिए, उसके बाद में आप लेबनीज़ थ्योरम के प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। कॉपी किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अरे क्वेश्चन टू करते हैं, क्वेश्चन टू हमसे कह रहा फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ e टेंडिंग टू पावर x log x। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो और मान लो लेट u इज इक्वल टू e टेंडिंग टू पावर x एंड v इज इक्वल टू log x। ठीक, मान लिया। अब करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम करेंगे तो हमें मिलेगा u1 इज इक्वल टू e टेंडिंग टू पावर x ही। ठीक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। अगर यहाँ पे 2x होता तो 2 आता हमारे पास में। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो u2 इज इक्वल टू मिलेगा e टेंडिंग टू पावर x। ठीक है, और अगर आप n टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो e टेंडिंग टू पावर ex ही मिलेगा। ठीक है, सिमिलर हम v का करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो v1 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/x। ठीक है, इसको और जरा सा अरेंजमेंट करो तो हम x को क्या लिख सकते हैं, x टेंडिंग टू पावर -1। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे जब आप, तो को मिलेगा सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो -1। ठीक है, और पावर में 1 का सब्ट्रैक्शन होगा, -1 -1। ठीक है, तो -1 x टेंडिंग टू पावर -2 होगा। ठीक है, ये आ गया v2। ठीक, जब आप करेंगे थर्ड टाइम्स डिफरेंशिएशन तो आपको मिलेगा कितना, -1 ब्रैकेट में ले लो यार इनटू पावर का डिफरेंशिएशन -2, पावर में 1 सबट्रैक्ट होगा -3 होता है। ठीक, और इसी प्रकार, उसी प्रकार करना चाहिए, इस प्रकार नहीं। vn इज इक्वल टू -1 टेंडिंग टू पावर n-1 इनटू n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, इनटू एक्स टेंडिंग टू पावर -n, सो करके दिखा रहा हूं, देखो जरा सा। तो हम इसको और लिख सकते हैं, vn इज इक्वल टू -1 होल टेंडिंग टू पावर n-1 इनटू n-1 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय x रेस्ट टू द पावर n। ठीक है, ये भी फॉर्मूले का हम nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए आपको सिखा चुके हैं। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं हम लेबनीज़ थ्योरम, लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जरा सा देखिए भाई, यू एन आपके पास में है, क्या है, पहले तो फंक्शन को हमें लिख देना चाहिए। ठीक है, फंक्शन को लिखना चाहिए, तो dn अपॉन dx रेस्ट टू द पावर n e टेंडिंग टू पावर x इंटू लॉग x इज इक्वल टू, यू एन आपके पास में है e टेंडिंग टू पावर x यू एन। ठीक है, और v आपके पास में log x लिख दिया। ठीक है, ये तो टर्म आपका कंप्लीट है। आइए सेकेंड पे एन सी वन को कॉपी कर लो, कर लिया यू एन माइनस वन। ठीक है, यू एन माइनस वन एक बार डिफ्रेंसिएशन किए यही मिलेगा e टेंडिंग टू पावर x। ठीक है, और v1 अगर देखा जाए तो v1 अपने को मिल जाएगा यहां से, क्या v1 मिलेगा आपको इंटू 1/x। यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्लस लिखो और आगे में पहुंचो nc2। nc2 ठीक है, un -2 है। ठीक है, यानी सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन किए तो हमें फंक्शन मिला e टेंडिंग टू पावर x। ठीक है, और अगर हम v2 देखें तो v2 हमारे पास में आया हुआ है -1/x² लिख सकते हैं ना, प्लस, ठीक है, डॉट डॉट प्लस। अब आइए आगे में और बात करते हैं। ठीक है, यहीं पे आपको रुकना नहीं है, आगे तक आपको काम करना है। प्लस nCn, ठीक है, यू देखिए आपके पास में है e टेंडिंग टू पावर x। ठीक है, और vn आपके पास में आया हुआ है -1 होल टेंडिंग टू पावर n-1 इनटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x रेस्ट टू द पावर n। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करना का मतलब क्या है कि सिंपलीफाई करना सीधा सीधा। अगर हम e टेंडिंग टू पावर x को कॉमन ले लें,
ठीक है, e टेंडिंग टू पावर x को कॉमन ले, तो हमें मिलेगा यहां से log x प्लस, ठीक है, n c1 का वैल्यूज होता है n डिवाइडेड बाई x, ठीक है, प्लस n c2 का जरा लिखने के लिए जाए, ठीक है, प्लस और माइनस माइनस n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू, तो फैक्टोरियल टू को तोड़ने जाएंगे तो टू ही मिलेगा हमें, ठीक है, इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस। अब जरा सा यार एन सी एन को हम तोड़ते हैं, देखो जरा एन सी एन को तोड़ने जाओगे तो लिखोगे एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर की जगह पे क्या है आपके पास में एन है, तो यहां से लिखोगे एन फैक्टोरियल एन माइनस एन फैक्टोरियल, ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना जरा सीखो, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल को कॉपी कर लियो, ठीक है, एन माइनस एन ये आ जाएगा आपके पास जीरो फैक्टोरियल, ये कैंसल आउट करेंगे, ठीक है, कैंसल आउट करेंगे तो वन डिवाइडेड बाई यहां से वन बचा और जीरो फैक्टोरियल वन होता है, यानी कि इसको ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा दो जगह मैंने प्लस लिखा ना तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, ठीक, छोटी छोटी मिस्टेक यार आप लोग भी मिस्टेक कर रहे हैं, चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। प्लस आपके पास में बच जाएगा क्या यहाँ से माइनस वन होल टेंडिंग टू पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू द पावर एन। आप चाहो तो यही छोड़ सकते हो, ठीक है, और कुछ अरेंजमेंट इसमें होगा क्या जरा सा देखें, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ अरेंजमेंट होगा, तो आपका आंसर ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करना है, और इस बात को कंफ्यूज मत हो जाना कि यार एनसीआर को नहीं लिखा गया है, ठीक है, उस चीज बात को कंफ्यूज नहीं होना, एंड टाइम डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिखा, तो कॉपी किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन करें।